इस हॉल में उपस्थित है, निवेदन है कि आप लोग मंच पर आए। जो भी अधिवक्ता बंधु यहाँ उपस्थित है, निवेदन है कि आप मंच पर बताइए किस चीज के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आज जनसुराज जिला कार्य समिति की बैठक है, उसी बैठक में पूरा जनसुराज परिवार जिले का यहाँ इकट्ठा हुआ है, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधान पार्षद अफाक अहमद जी उपस्थित है। सच्चिदानंद राय जी को भी आना था, लेकिन अस्वस्थता की वजह से वो इसमें नहीं आ पाए, और आज से जनसुराज आपको नए कलेवर में सिवान में दिखाई देगा। लोगों की जन समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़ के अब इसे एक स्थापित करने में जनता के बीच में काम करने को आगे बढ़ेगा। इस कार्य समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य समिति का मुख्य उद्देश्य आज का ये कि हम संगठन कैसे आगे बढ़ाएं। हमारा प्रखंड स्तर तक संगठन तैयार हो गया है, और प्रखंडों से हम पंचायत तक कैसे जाए उस बारे में यहाँ चर्चा होगी। लोग अपनी अपनी राय देंगे, और उन रायों पर आने वाले समय में हम लोग अमल करके पंचायत स्तर तक अपने संगठन का विस्तार करेंगे। परिचय बताइए। अभिषेक कुमार सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य। कुछ लोग और हैं, हम लोग बातचीत किया जाएगा। बताइए अभी किस लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? यहाँ हम लोग जन सुराज जो अभियान चल रहा है प्रशांत किशोर जी का, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास का अभियान है, जिसको लेकर के हम लोगों का विभिन्न तरह का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग जिला स्तर पर हम लोग की कमेटी बन गई है, प्रखंड स्तर पर बन गई है, अब हम लोगों का गांव स्तर पर जाना है। इसके लिए अभियान समिति के माध्यम से हम लोग गाँव गाँव तक जाएंगे, और गाँव स्तर पर हम लोग उसमें अपने लोगों को तैयार करेंगे, बूथ स्तर पर तैयार करेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ योजना बनाने, चर्चा करने के लिए, और कैसे होगा इसके लिए हम लोग यहाँ आए। परिचय बता दें। मुन्ना पांडे, सदस्य अभियान समिति।